ओके क्लोज योर आईज वरुण क्लोज योर आईज ओके सबसे ज्यादा इस ग्रुप में ब्रेकअप पे कौन ब्रेकअप में कौन रोता है मंजोत मैं रोता तो नहीं सबसे ज्यादा इस ग्रुप में लेट कौन पहुंचता है स्पेशल एक्सपीरियंस था मेरा दीदी प्यार दे में हां जी तो मैं जिम जा रहा था देखो फोन है कहाँ है सर मैं तो जिम जा रहा हूँ कह रहे सेट पे आ यहाँ शूट कर रहे इट्स नॉट दैट वी मेकिंग लाइक अ हैंगओवर इट्स लाइक फॉर मी इट्स लाइक अ ड्रंक फिल्म इट्स लाइक अ ड्रंक कॉमेडी करेक्ट इट्स जस्ट अ ब्रेकअप ट्रिप दैट दीस गाइस आर टेकिंग एंड इट्स लाइक अ मैड एडवेंचरस वैक्ड आउट राइड दैट दीस गाइस आर ऑन दे आर ऑन सम अदर ट्रिप इन देयर लाइफ आई एम ओवर यू थ्री इडियट्स में माधवन के किरदार को क्या बनना था मंजू फोटोग्राफर वाइल्ड लाइफ नो आई सेड दैट पत्रलेखा वाइल्ड लाइफ तो मैंने आपने पत्रलेखा एक सेकंड आपने तो पत्रलेखा बोला नहीं पहले उठ गए मंजू हाय ना तेनू प्यार दियां मैं तेरी नजर उतार दियां मैं जे रब देवे सौ वारी जिंदगी हर वारी तेथों वार दियां मैं खाब आया है खाब आया है जी दे विच तू दिसे वेक तेरा प्यार आया है प्यार आया है प्यार आया है मेरे हिस्से वेक तेरा You know, जब टी शर्ट देकर रिश्वत के तौर पे आपसे कहा जाता है अच्छा इंटरव्यू कीजिए ऐसे लोग मुझे बेहद पसंद हैं और वो सारे लोग यहाँ बैठे हैं Hi and welcome to Just to Film Me, man. What a party this film is already. Yeah, no. Like promotion में इतना मजा आ रहा है तो फिल्म के वक्त कितना मजा आया First of all, it's the cast of Wild Wild Punjab. Guys, मेरी audience को hi बोलिए hi. Hi. Wild people. I love it. मतलब I can't believe that there is these many fun people together. I'm going to start with you, ladies first. Patrulekha. First, I want to ask you, are you all right? Comfortable? Very. You're looking like Barbie, man. Yes. That was the point. So cute. I love Thank it. You. How Thank fun you. Was it to be surrounded by such crazies? Hame bataiye. It was a ride. Mm-hmm. We all were in the ride, mm-hmm. all together, mm-hmm. stuffed in together. And we had no option but to make friends with each other. But. No option. Option diya hi nahi gaya. But also the good thing is we all knew each other at some point of our lives. Correct. We crossed paths. Correct. Jesse was a new addition. I had never met him. But guess what? We all were inside the car. So we had a really good ride. Parjay ji bol chuki hai. Taliyan honi chahiye. Thank you, Parjay ji. Bahut hi badhiya. Parjay ji, chha gaye tusi. Thank you. Jassi ji, I have to say this. Big fan, man. Like, how many of us are fans of Jassi Gill? Like, can we just like put our hands? Thank you. Jassi cut hota tha, hum Jassi pa ji gaane hi sunte the. Kaun sa gaana? Gadi tedi kaali, kaali. Kaare ka machre. क्या बात है थोड़े को मैं सोच सकता हूँ तुझे गा सकते इन्होंने कहा कि आपकी नई एंट्री हुई है यू नो इस ग्रुप के साथ कितना वक्त लगता है एक नए ग्रुप के साथ जेल करना नहीं बट पत्रा के लिए नया था और इशिता के लिए नया था इनके लिए नया नहीं था अच्छा ये तो मेरे पुराने 2013 से वरुण वीरा इज लाइक माय फर्स्ट फ्रेंड in this industry Bollywood और so तब से एक साथ हैं बाकी इनकी फिल्म रिलीज हुई थी फुकरे बिल्कुल वहाँ पे मैं गया था और उन्होंने मेरा गाना रिलीज किया था गिटार सिकदा वहाँ पे और सनी को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ सनी के लिए मैंने गाना गाया इसकी फिल्म में एक लैम्बर्गिनी मैंने बिल्कुल बिल्कुल तो हमारा आपस में था पहले से जानते थे बट यस पत्रा और इशिता के लिए नया था बट जब आपको हमारी फिल्म ही एक साथ है सारी हम गाड़ी में एक साथ ही थे तो फिर जब एक साथ है तो I love it you know what I love about it it's a buddy film जहाँ पर I feel like it's not just the boys it's got enough for the women as well yeah absolutely क्या ये सही होगा बोलना इशिका 100% बिल्कुल सही आपको फिल्म देखनी पड़ेगी बिल्कुल सही होगा और जैसे चार लड़के जितने फन लग रहे हैं तो फिल्म देख के आपको समझ आया कि जब दो लड़कियों की एंट्री होती है तो वो फन कैसे डबल द ट्रबल होता है
डबल द ट्रबल, आई लव इट, आई लव इट. ऐसे अफवाह मैंने सुनी है कि सनी तुम्हारे बगैर लव रंजन फिल्में नहीं बनाएंगे. ये अफवाह नहीं है, ये सच है. झूठी और मक्कार भी बनी थी. बस्सी ने रोल ले लिया था, उसको गाली देंगे हम. नहीं नहीं, बस्सी बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा दोस्त भी है. बट हाँ, ये कह सकते हो कि शुरुआत क्या हम सबकी साथ हुई है. एंड लव सर ऑलवेज बीन लाइक अ मेंटोर फॉर अस, बिग ब्रदर. तो वो एक गाइडेंस हमेशा रही है. बट हाँ, एक होता है प्यार, होता है एक बॉन्ड होता है, उनको हमेशा एक ट्रस्ट रहा है हम पे. तो एक सेट ऑफ फिल्म जब वो बनाते हैं तो उनको ये लगता है कि इसमें तुम शूट करते हो, इशिता तुम इसमें शूट करते हो, तो वो एक रहता है. एंड आई थिंक आई लाइक दैट फैक्ट कि हम जब भी रिपीट भी हो रहे हैं, बट देयर आर डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑल टुगेदर. बिल्कुल, व्हिच आई लाइक. एंड ऑल्सो आई एम सच अ बिग फैन ऑफ हिज राइटिंग. एंड जब भी वो लिखते हैं, जब भी वो सोचते हैं कि अगर सनी एक फिल्म में है तो वो बताते नहीं हैं, तो हमें फिल्म के थोड़े दिन पहले पता लगता है कि ये तुम ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तुम ये कैरेक्टर प्ले करते हो. और दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द क्राफ्ट. तो पहले आप सिर्फ फिल्म सुनते हो एज अ स्टोरी? कुछ नहीं सुनते कई बार. तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार स्पेशल एक्सपीरियंस था मेरा दे दे प्यार दे में. हाँ जी. तो मैं जिम जा रहा था, भेगो फोन है, कहाँ है? है सर मैं तो जिम जा रहा हूँ. कह रहे सेट पे आ, यहाँ हम शूट कर रहे हैं. तो कई बार ऐसा भी हो जाता है. क्या बात है, दैट्स फैंटास्टिक. मंजोत, यू नो एवरी टाइम वी सी यू ऑन द स्क्रीन वी नो दैट इट्स गोइंग टू बी फन. यू नो, इज देयर अ प्रेशर यू नो ऑन बीइंग द फनी गाय? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ओके, कैसे आपको लगता है मेरी एक्टिंग देख के मैं प्रेशर में? बिल्कुल नहीं, इसीलिए पूछ रही हूं. कम्स नेचुरली. या मैं, बट दिस टाइम आई एम सो ग्लैड. यू नो, आपने जितनी भी पहली फिल्म्स में देखा है कि बड़ा इनोसेंट सा मैंने प्ले किया है, बबली सा, सहमा हुआ सा. सो दिस टाइम आई आई गॉट अ चांस टू प्ले एन अल्फा. या एंड बहुत ही अलग था. हनी सिंह, मिस्टर हनी सिंह, मिस्टर हनी सिंह. तो बहुत ही अलग रोल था मेरे लिए. और जब मैं ये सुन रहा था तब से ही ना मुझे हो रहा था यार ये बस जल्दी से स्टार्ट हो जाए फिल्म. और सुनते ही मेरी छाती भी चौड़ी हो रही थी यार. और खुद ही आप इमेजिन करने लग जाते हैं ना सीन सुन के, यार मैं ऐसे करूँगा. And when I spoke to Simba, he said, यार ऐसी लुक होगी, कुछ अलग करेंगे. तो आई वॉज रियली एक्साइटेड. और मेरी लुक भी बहुत अलग है इस बार और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. एंड आई होप मूवी भी लोगों को बहुत अच्छी लगे. 10th of July को नेटफ्लिक्स पर आ रही है. एंड इट्स अ वाइल्ड राइड. इट्स अ वाइल्ड राइड, एब्सोल्युटली. मूंछे भी ऊपर है, मूंछे में अच्छा लग रहा है. हनी सिंह आते ही उस फैमिली से है. मुझे उसकी शान है. आई लव इट, आई एब्सोल्युटली. गाड़ी उसकी पहचान, और गाड़ी उसकी पहचान है. या वरुण, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आई मीन यू वुड, इट्स योर फिल्म, कम ऑन. लेकिन आई हैव टू आस्क यू, लाइक व्हेन यू नो दैट देयर सो मेनी ऑफ यू टुगेदर, ओके, इट्स ए इट्स फन, बट एट द सेम टाइम आर यू एवर द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु विल से के आई होप दैट व्हाट आई एम डूइंग इज गोइंग टू बी नोटिस्ड? व्हेन यू hear a particular script, when you read a script, you get an understanding of the film, right? The whole aim is to enhance as to what it's written. So when you've read it, you already know who's doing what and you know how it's shaping up and you know what's happening and all that. So you already know what you signed up for. So there's nothing that... No surprises there. Yeah. No surprises there. I mean, all of us as actors, as technicians who are behind the cameras, everyone's read whatever's there. Now the job is how do we amp it up more. Correct. While doing it, sometimes improvisations kicks in, sometimes visually things change, sometimes execution wise you amp it up a little bit and all that. But neev to aapki wahi hai, bilkul, to aapko us cheez ka to pata hi hai. So there are no surprises there as such and everything, and everyone knows right from the start only and everything. So yeah, I mean, that's how Wild Wild Punjab is. You've read the thing. It's a wild film. It is a road trip. It's a film about friendship. Friendship, yeah. It's a film about relationships. It's a film about closure. Hmm. It's a film about breakup. Correct. So it's a whacked out film. Like for me, I always consider Wild Wild as like the first drunk film that we probably had. And I like the self-referential thing ki Hangover 3 thodi na bana rahe hain. Haan, I love it. Yeah, because no, you're like hame bol dete. Yeah, it's like yeah, I mean, there's no denial. It's not that we're making like a Hangover. It's like, for me, it's like a drunk film. It's like a drunk comedy. Correct. It's just a breakup trip that these guys are taking, and it's like a mad adventurous whacked out ride that these guys are on. They are on some other trip in their lives. What is it?
how it shapes up, till what extent it goes, will he manage saying those four amazing words that he's been dying to say? Dying to say. Can that we I say am it together, guys? 3, 2, 1. I am over you. Love so, yeah, so that is what Wild Wild Punjab is. It's amazing. Two questions. Okay, one is breakups and the other is food. So we'll start with food. Yeah? Okay. Chole but okay, so Punjabi foods, you gotta tell me and fight for your favorite. Varun. I think Punjab ka jo pani hai na. ये जोक एक्सप्लेन कीजिए. अच्छा ये अभी जो मैंने बोला ये अभी मंजोत बोलेगा तो आपको समझ आ जाएगा. मैं दोबारा रिपीट क्यों करूंगा? हाँ, मैं बोल रहा हूं मंजोत की जगह मंजोत आप बोल दो ना. मंजोत की जगह पे आप बोल दो. नहीं नहीं, पंजाबी फूड इफ यू टॉक अबाउट माय फेवरेट इज अमृतसरी कुलचा. Oh yum, amazing. You guys got to eat all of this on shoot. Yes, a lot. We were there for 3 months. Who was your guide? We all are from Punjab. I'm from correct, but who is the best? किसके सबसे बेहतरीन recommendations होते हैं पत्र? You got to tell us. If you ate, I did the hotel food. I think Varun knew a lot of places. Mm-hmm. Yeah. Jesse was absent all the time. Yes. After shoot. I think even Sunny knew a couple of places. Okay, fantastic. Favorite food for you? मेरे लिए. हाँ जी. मैं तो मतलब मैं अगर गिनाऊंगा तो लिस्ट हो जाएगी मेरी. सर्दियों में कुछ और, गर्मियों में कुछ और. सर्दियों में मिस्सी रोटी, साथ में आम का अचार, साथ में चाय और मक्खन या मलाई. और सर्दियों में सरसों का साग घी डाल के और मक्की की रोटी के ऊपर नमक और मिर्ची लगा के. ओके. एंड गर्मियों में बता दिया भाई, गर्मियों का भाई, सर्दियों का बताया ना. ये सिर्फ सर्दियों, ये सिर्फ सर्दियों की लिस्ट है. और इसमें भी बहुत सारी चीजें अभी मिसिंग है. ये सिर्फ जो आगे हाइलाइट्स है। और गर्मियों में राजमा चावल. हाँ जी. बेस्ट. और वाइट चने. mm-hmm. राइस के साथ. और एक हमारी होती है येलो दाल जो mm-hmm. बनती है mm-hmm. हाँ, मोटी मूंग वाली. और उसमें आप अपने जो चपाती है उसको चूर के खाते हैं और ऊपर घी डाल के और साथ में लस्सी का ग्लास. और बताओ, और बताओ कुछ? मूंग वाली मोटी वाली मतलब. और बताओ और कुछ. और मिठाई में बता दो अभी. मिठाई. आई थिंक जस्सी ने सबकी तरफ से आंसर दे दिया. खोआ खोआ खाने का नाम ले. खोआ गजरेला. नहीं, खोआ और गजरेला. और सर्दी में बनने वाली चीजें खीर और कस्टर्ड बनता है बहुत ज्यादा. फिरनी. और फिरनी बहुत कुछ. दैट्स अमेजिंग. ओके, सो वी हैव कवर्ड फूड फॉर एवरीबॉडी. बहुत बहुत शुक्रिया. खाना नहीं खाया मैंने आज इस इंटरव्यू से पहले. सो आई एम रियली हंग्री. बट मैंने आपको सॉरी मैंने वो बताया जो एक तो होता है ना कि आप पंजाब के बाहर सुनते हो कि पंजाब में ये फेमस है कि सरसों का साग मक्की की रोटी, मतलब ये एक टिपिकल बोल देते हैं सब. बट मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जो हम गांव में खाते रहे हैं कि ये वैसी चीजें हैं. और उनका टेस्ट आप कहीं भी खा लो का बोल दे रहे हो कोई यहाँ पे फेमस है यहाँ पे खा लो. बट जो आपके चूल्हे में जो सेकते हैं रोटी, जो वहां से टेस्ट आता है, वो टेस्ट कहीं मैच नहीं करता. खिला दो ना. आओ पंजाब यहाँ लेके आओ. यस, ओह माय गॉड, दिस इज गोना हैपन एट सम पॉइंट बिकॉज़ आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन. ऑलराइट, जस्सी गर्ल इज फीडिंग मी राजमा चावल लाइक इट्स माय ड्रीम. नो नो नो, इट्स क्यूट. या इट्स क्यूट. ओके, क्लोज योर आईज. वरुण, क्लोज योर आईज. ओके, सबसे ज्यादा इस ग्रुप में ब्रेकअप पे कौन ब्रेकअप पे कौन रोता है? मंजोत. मैं रोता तो नहीं, रुलाता हूं. भाई तू बह बह करके रोता है. रुलाता हूं मैं. अबे बह बह करके रोता है तू, रहने दे, मेरे को नहीं पता. सबसे आसानी से इस ग्रुप में किसको मोहब्बत हो सकती है? वरुण. मंजोत. मंजोत. वरुण, मैं लिख के दे सकता हूं. मंजोत के लिए बेस्ट है दोनों चीजें. नहीं यार, वरुण उसको जल्दी प्यार होता है और बोर भी जल्दी होता है. सबसे ज्यादा इस ग्रुप में कौन, लाइक यू नो हु इज द मोस्ट क्रशेबल इंसान, यानी कि किस इंसान पे सबसे ज्यादा क्रश हो सकता है इस ग्रुप में? वरुण. किसको हो सकता है? आई मीन आउटसाइडर्स, इफ दे हैड टू पिक, हु इज द वन हु गेट्स मोस्ट क्रश्ड ऑन? मंजोत भाई. मंजोत. ये पॉजिटिव ही है ना. माय पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट है. या आई टेक इट. इससे सबसे ज्यादा इस ग्रुप में, पता चल रहा है चौथी बार मार चुके हैं लगा हुआ है फिर भी. सबसे ज्यादा इस ग्रुप में लेट कौन पहुंचता है? इशिता. 12 साल हो गए मुझे. इशिता, डिफेंड योरसेल्फ. क्यों लेट होते हैं आप?
मैं इस फिल्म में एक दिन भी लेट नहीं हुई हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई वरुण इज रिपीटेडली. हाँ मैं कभी कितनी फिल्म करी है साथ में, बट कौन सी कितनी फिल्म करी है बताओ, उसमें कितने में कहा लेट में नहीं पहुंची है. ये वेकेशन में जाती है एक दो बार तो, एक दो बार तो सबने साइड मिस करी होगी. एक दो बार प्लीज टेल. मैंने आज तक नहीं की, मैंने आज तक नहीं की. ये तो एक दिन पहले पहुंच जाता है. वेल इट इज दैट. थैंक यू वेरी मच. सबसे ज्यादा फिल्मी कौन है इस ग्रुप में? आई थिंक वरुण. क्या सबसे ज्यादा मैं बोल सकते हैं. मैं हूं यार फिल्मी. यू आर बहुत. आई नो यू आर. आई एम. अबे भाई अरे एक तो दे दे उसे. मैं हूँ जो चीज मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ वो जबरदस्ती ठोक देते हो मेरे बारे में. Who is the easiest to make friends with in this group? मंजूत भाई देखा था. खुश है खुश है. हाँ खुश है. बिल्कुल न्याय थी झूठ नहीं बिल्कुल नहीं है. मंजूत मैं एक ऐसा इंसान हूँ. आई एम जस्ट लाइक वाटर. कोई भी शेप ले लेता हूँ. ओके क्योंकि आपने कहा कि ये फिल्म दोस्तों और दोस्ती के बारे में है. वी आर डूइंग द अल्टीमेट बडी मूवी क्विज. नाउ वी विल फिगर आउट आप में से कौन है जस्ट टू फिल्मी. आर यू रेडी? ऑल द बेस्ट. डू वी हैव टू रेज हैंड्स? यू हैव टू टेक योर ओन नेम. ओके ओके बिकॉज़ देयर्स टू मेनी ऑफ अस. ओके रेडी? जज कौन करेगा? मैं अच्छा आप ही करोगे. वो भी तेरे को लगता है गेम खेलने लग जाएगा? नहीं पता भी तो होना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन सबके लिए अपना खुद का नाम लेंगे और फिर जवाब देंगे. 3 2 1 दिल चाहता है मैं. सैफ अली खान के किरदार का क्या नाम था? भाई वरुण. सनी बोलो. वरुण. यस वरुण. मैं होता तो मैं तो भाई बुलाता. सनी सिड. नो इट्स नॉट सिड. नो आईडिया. No. I remember Aamir Khan. Yes. He was Akash. Oh, shit. Rohit. Koi bhi naam bol do bhi. Virat. Virat. Aman. No. No. Aman to mera naam hai ghar ka. Sameer is the right. Oh. Sameer. Yes. Sameer. All right. Next question. 1975 mein chalte dosto. Shole mein. Oh. Veeru aur Jay agar disagree karte. To usse suljhane ke liye kya karte? Khud ka naam lijiye pehle. अगर दोनों में कोई बात होती है एंड दे कांट डिसाइड व्हाट वुड दे डू? सनी टॉस करते हैं. बिल्कुल. गिव मी अ 5. वेल डन. तालियां होनी चाहिए यार. वेल डन. अमेजिंग. ऑलराइट थर्ड पे नोबडी केयर्स. ओके 3 Idiots में माधवन के किरदार को क्या बनना था? मंजूत फोटोग्राफर. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. आई सेड दैट. पत्र लिखा. बट वाइल्ड लाइफ तो मैंने. आपने पत्र लिखा. आपने तो पत्र लिखा बोला नहीं पहले. उठ गए हैं मंजूत. मुश्किल से आता है. सही है भाई आप सही हो. हाँ मैं आपके साथ हूँ. मंजूत है रिकॉर्ड. रिकॉर्ड हो रहा है. दो मिनट हमारे पास जल्दी करेंगे. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में अर्जुन यानी कि ऋतिक रोशन के किरदार को किस चीज से डर लगता है? वरुण. वरुण सी. One point each. Ishita, Jassi and Varuna sitting without any points. Let's try and make this happen. कौन सी ट्रॉफी देके भेजना है आपने? सर एक्चुअली दिया तो आपने मुझे टी-शर्ट. थैंक यू. बट आई कुड गिव यू माय ज्वेलरी. हां ये दे दो. आई डोंट माइंड योर ज्वेलरी. है ना? ये असली भी लग रही है पता है. ये जवानी है दीवानी में. आदित्य रॉय कपूर एके अवि कि कौन सी बुरी आदत होती है? शराब इज राइट एंड जुआ आल्सो. ओके सो सनी इज गॉट 2. ही इज लीडिंग. अंदाज अपना अपना में. वरुण यू गेट दिस. आमिर खान और सलमान खान के फादर्स के क्या प्रोफेशंस होते हैं? इशिता सनी बार्बर. यस होता है आमिर खान. हां जी. और उनका होता है सलमान खान का होता है वरुण टेलर. टेलर. फिल्में नहीं देखता तो गाना गा लीजिए. ये देखो ये इसी का वेट कर रही थी मुझे लग रहा है. कुछ तो गा. पारी पीछे. हाँ ना तेनू प्यार दिया मैं
तेरी नजर उतार दया मैं जे रब देवे सौ वारी जिंदगी हर वारी ते तू वार दया मैं खाब आया है जी दे विच तू दिसे वेक तेरा प्यार आया है प्यार आया है मेरे हिस्से वेक तेरा सारा प्यार आपके हिस्से ही आए जब रिलीज होगी वाइल्ड वाइल्ड पंजाब ऑन नेटफ्लिक्स थैंक यू सो मच मेरे शो पर आने के लिए इट मींस अ लॉट थैंक यू फॉर हैविंग अस सो मच जस्ट टू फिल मी जस्ट टू फिल मी